मैनपुरी में नुमाइश पंडाल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 345 वैवाहिक जोड़ों ने दाम्पत्य जीवन में बंधकर अपने जीवन की शुरुआत की। तो वहीं पर आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, साथ ही सभी वैवाहिक जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया। तो वहीं इस पर योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत यह वैवाहिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में भारी संख्या में पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा की व्यवस्था की गई। इस कार्यक्रम के अवसर पर अपर जिला अधिकारी रामजी लाल मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार, समाज कल्याण अधिकारी इंदिरा सिंह, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय, अपर पुलिस अधीक्षक मधुबन कुमार सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष मनोरमा, जिला पंचायत अध्यक्ष के अलावा जिले के समस्त अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। शासन के निर्देश के क्रम में पूरे प्रदेश की भांति जनपद मैनपुरी में भी आज इस प्रांगण में भव्यतापूर्वक समारोह पूर्वक हम लोगों ने सामूहिक विवाह माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सामूहिक विवाह कार्यक्रम रखा है। और उसमें अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ हो चुके हैं, 345 जोड़ों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, उनकी शादियाँ हो रही हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे जिला प्रशासन ने करी है और 400 से ज्यादा शादियां आज यहाँ हो रही हैं, उनमें विवाह भी है, निकाह भी है। मैं सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnewsflash।